दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गायक हार्दिक पांड्या ने दोबारा से इतिहास रच दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। केवल 26 गेंदों का सामना करते हुए 144 रन बना डाले, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी खिलाड़ी ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है पूरे क्रिकेट के इतिहास में। अगर आप भी हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जोर से देखते रहिए। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, डीवाई पाटिल T20 कप चल रहा है इंदौर मुंबई में, जहां पर रिलायंस वर्सेस BPCL के बीच में शुक्रवार यानी कि आज मैच खेला जा रहा है, जहां पर रिलायंस वन ने पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर रिलायंस वन की ओर से सलामी जोड़ी ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। सलामी जोड़ी के तौर पर उतरे शिखर धवन के साथ अनमोल प्रीत 4 रन बनाने के बाद अपना विकेट गवा बैठे और उसी के साथ साथ शिखर धवन ने भी 3 रन बनाने के बाद अपना विकेट गवा दिया और रिलायंस वन ने टोटल 10 रन पे अपने 2 विकेट गवा दिए। रिलायंस वन की टीम दबाव में आती जा रही थी, मगर उसके बाद आया हार्दिक पांड्या का मैदान में तूफान। रिलायंस वन की ओर से खेलते हुए तीसरे नंबर पर आए हार्दिक पांड्या ने ओनली 55 गेंदों का सामना करते हुए 158 रन की एक विस्फोटक पारी खेल डाली, जिस दौरान 20 गगनचुप्पी छक्के लगाए तो वहीं 6 चौके भी लगाए हैं, यानी कि 14 रन केवल भाग कर लिए हैं हार्दिक पांड्या ने। बाकी के रन जो कि 144 रन हैं वो तो चौके छक्के से लगाए हैं, तो अब अनुमान लगा सकते हो कि 26 गेंदों में 144 रन लगा दिए हार्दिक पांड्या ने, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हार्दिक पांड्या ने तो 39 गेंदों में ही अपना शतक तो पूरा कर लिया था। अगर हम बात करें कि इससे पहले T20 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे भारतीय टीम की ओर से, तो वो नाम आता है श्रेयस अय्यर का। जी दोस्तों, श्रेयस अय्यर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर ने 21 फरवरी 2019 को मुश्ताक अली ट्रॉफी में 147 रन बनाए थे, वो भी नाबाद। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मगर इनका रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है हार्दिक पांड्या ने। अगर आप वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे नाम आता है क्रिस गेल का। जी दोस्तों, क्रिस गेल काफ़ी खतरनाक आक्रामक बल्लेबाज, आप सभी को पता है। क्रिस गेल ने IPL की टीम RCB की ओर से खेलते हुए 23 अप्रैल 2013 को ओनली 66 गेंदों का सामना करके 13 चौके और 17 छक्के की मदद से 175 रन की पारी खेल डाली थी नाबाद, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और पहले नंबर की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे अब नाम आता है क्रिस गेल का, दूसरे नंबर पे नाम आता है हार्दिक पांड्या का। तो अगर आप भी हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक तो जरूर करना पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या की इसी बल्लेबाजी की मदद से रिलायंस वन ने 4 विकेट गंवाने के बाद पूरे 20 ओवर में 238 रन का लक्ष्य दिया है BPCL को। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीत पाती है। BPCL की अगुवाई कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिलहाल इस खबर में इतनी था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए UTV News 24।